विजय को बचाया ना माँ, एक बेटी के लिए क्या नहीं करती एक माँ। पर एक बात मत भूलना डोनिया कि एक माँ होने के साथ साथ हम एक राजमाता भी हैं। रक्त चूसों के परिवार और रक्त चूसों की प्रजा की राजमाता। रक्त चूसों के इस राजमाता ने आज एक भेड़िये को बचाने के लिए। माँ, जय भेड़िया नहीं है। भेड़िया नहीं है तो और कौन है? आज तुम यहाँ जिंदा खड़ी हो ये बड़ी बात है क्या? आज अगर उसने तुम्हें खा लिया होता तो तुम यहाँ नहीं होती ये सब कहने के लिए अडोनिया। माँ, जय हमसे प्रेम करता है, जी जान से प्रेम करता है। वो हमें कभी दुख नहीं पहुंचाएगा, कभी भी नहीं। दुख नहीं पहुंचाएगा? अरे मौका मिलने पर तुम्हें खा जाएगा। हाँ देखो अडोनी, अब तक तुम उससे छुप छुप कर मिल रही थी और उसने तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाई है, लेकिन अब सच्चाई सबके सामने है और तुम्हारे साथ साथ हमारी भी बेइज्जती हो गई है। इसलिए कम से कम अपने लिए नहीं तो हमारे लिए सही, आपके लिए, हाँ कम से कम हमारे लिए तुम्हें देखो होगा। माँ, ये कैसी शर्त रखी है माँ? या तो जय को भूल जाओ या अपनी माँ को भूल जाओ। माँ, अपनी माँ को भूल जाओ डोनिया। माँ, हमें ऐसे दूर मत कीजिए, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। जय को भूल जाओ डोनिया। ये कैसी हालात में फंस गए हैं हम? हम जय को भी नहीं भूल सकते और आपको भी नहीं छोड़ सकते हैं माँ। अडोनिया क्या हो गया तुम्हें? हम अपना प्यार कैसे बांट सकते हैं कि आधा प्यार अपने पति और बेटे को बांट दे और आधा तुम्हें? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें जय को भूलना होगा। मरते दम तक नहीं भूलेंगे। मैं जानता हूं कि यह पागलपन है, लेकिन मैं और नहीं रुक सकता। जब तक मैं खुद नहीं देख लेता कि अडोनिया ठीक है, मैं चैन से नहीं जी पाऊंगा। अगर ये पागलपन है तो यही सही। चूसों के पीठ पे चूरा भूखा है, चूरा भूखा है। तेरे आगे नाक रगड़ते रगड़ते हम नकते हो गए, तेरे आगे नाचते नाचते हमारे पैर के तलवे छिल गए, और बदले में तूने क्या दिया? ये धुतकार। एक भेड़िये की जान बचाई है, उस भेड़िये की जिसने मेरे परिवार की लड़की से प्यार करने की हिम्मत की है। तूने आज मेरे परिवार पे काला धाग लगाया है।
पूजा करें तेरी हम, सर पे बिठाएं तुझे हम, और फल मिले उस भेड़िये को, कत्ल कर दीजिए ये की उस भेड़िये की, और आग फोड़ दी आपने उस पर चेता की। निकल गया तो तेरी खाट खड़ी कर दूंगा मैं, खाट तो तेरी आंख, तूने मेरी आंख ली है, मैं तेरे कान छीन लूंगा, तेरे कानों में चमगादड़ के पंख घुसा के ऐसी गुदगुदी करूंगा कि हंस हंस के मर जाएगा तू। बदला लूंगा मैं। गंगा देवता से पंगा मत लो प्रजेता। अजूरा नहाता माता गुफा बर्बाता, बिना विचारे बलि कराता, और फिर प्रजेता की आंख में चमगादड़ घुस जाता। प्रजेता प्रजेता पैरों को हाथ मत लगाना। तूने आके मेरे कान में आग डाली, आके मेरी दाढ़ी खुजाई, आके मेरे कान में फुसफुसी की, फुसफुसी करके दुसदुसी करके तूने कान तू मेरे झब्बे की बाहु का सांप है। मैंने तो तुम्हें सिर्फ ये कहा था कि जय ऊपर से आया है, पर तुम तो वहां नाचने गाने वाले लेकर पहुंच गए। ऐसे नाच रहे थे जैसे उस जय की बारात में आए हो। अरे किसने कहा था तुम्हें जय की बलि देने को? क्या हुआ, आंखों की रोशनी चली गई? अरे नहीं, एक आंख में तकलीफ है बस, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं तुझे एक ही आंख से देख लूंगा, चमागा देवता, तेरी खाट खड़ी कर दूंगा मैं,
तो जा कहीं भी है वही आके मारूंगा तुझे, वही आके मारूंगा। अरे सुनो, थोड़ा आराम कर। मामा जी महाराज, आप वो मैंने आज एक सपना देखा। यहाँ खड़े खड़े जी? नहीं, आज सुबह। बोलो। मैंने देखा कि मैं राजगद्दी पर बैठा हूँ, हिल मिला रहा हूँ, और आप मुझ पर फूल फेंक रहे हैं। लवमन, तुम्हारा ये सपना इतनी जल्दी पूरा नहीं होने वाला। क्यों मामा जी महाराज, क्यों? क्योंकि सुबह सुबह सपने तभी आते हैं जब दिल में डर हो। जब भी अपना मुंह खोलते हो कड़वाहट ही निकलती है। राजकुमार हो, राजकुमार की तरह रहो। अब मामा जी महाराज, डर तो इसके मन में है कि ये हमेशा राजकुमार रहेगा, कभी राजा नहीं बन पाएगा। ये एक झटके में गर्दन अलग कर दूंगा और कटा हुआ सर बहुत देर तक मामा जी नहीं कह। वीर, अपने आप में रहो, ये हमारा खून नहीं है, ये विभीषण है। मैं इनकी बहन का बेटा हूं। मैंने इस महल का नमक खाया। मैंने वीर ठीक कह रहा है, जब से तुम यहां आकर अपने मामा जी के तलवे चाट रहे हो, तब से ये खुद भूल गए हैं कि ये कौन है। भूले हम नहीं, भूला ये है, ये आज हमारे चमागा देवता का अपमान किया है इसने। चमागा देवता की पूजा करना बेकार है। चमागा देवता खतरनाक है, उससे दुश्मनी मोल मत लो। उसने एक भेड़िए की जान बचाई है इनके कहने पे। चमागा हमारा देवता नहीं है, वो भेड़ियों का हो चुका है। बस करो वीर, बस करो। चमागा देवता अगर बदला लेगा तो महल में भेड़िया घुसाया है। एक भेड़िए की इतनी हिम्मत के वो हमारे महल में घुसाए? इस भेड़िए की मौत आई है जो हमारे महल में घुसाया है। इस भेड़िए के चीथड़े चीथड़े कर देंगे। आखिर ये भेड़िया हो कौन सकता है? जय ही होगा। उसके ही सर पे प्यार का भूत सवार है, तो इस भेड़िए के टुकड़े टुकड़े करके महल की खिड़की से बाहर फेंक दो। याद, ये भेड़िया बच्चे जाना नहीं चाहिए। चलो। कहीं सच में तुझे नहीं आ गया इस महल में? इसे भेड़िए ने ही मारा है। तुम्हें कैसे मालूम? हाँ, इसके शरीर पे ना तो कोई घाव है और ना ही कहीं से खून बह रहा है। अच्छा, कोई चोट या घाव नहीं है तो ये अपनी मर्जी से यहां लेटा है?
नहीं नौमन, हमें भी बू आ रही है उस भेड़िए की। इसकी इतनी हिम्मत कि हमारे राजमहल में घुस आए, चिथड़े चिथड़े कर देंगे हम उसके। आज ये भेड़िया बच के जाने ना पाए। हर समय तुम्हारा ये चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। मेरा भी यही हाल है, होश खो बैठता हूं मैं अपने। अडोनिया, अब मैं हमारे बीच किसी को नहीं आने दूंगा। राजकुमारी, जय का दिल थोड़ा कमजोर है, जल्दी टूट जाता है, लेकिन उसकी बाहों में बहुत ताकत है। क्यों आई हो बिना बुलाए? कुछ कहना है? अब तुम्हें जय ने भेजा है, जाओ, हम तुमसे बात नहीं करते। अरे हम तो मजाक कर रहे थे बस। सैनिकों को आगाह कर दो कि महल के कोने कोने में फैल जाए, आज ये भेड़िया बच के जाना नहीं चाहिए। चलो लहुमत। जय, तू कहीं भी छुपा, आज मैं तुझे ढूंढ के मारी दूंगा। आज का दिन ही कुछ अलग है, सब पागल हो जा रहे हैं। अब ये मैना क्या कहना चाहती है? आ रही हूं। कौन पागल होगा जो इतनी बड़ी महल के दीवार चढ़कर तुमसे मिलने आएगा?